मुझसे खिदमत के कुदस कहे हर मुस्तफा जाने रहमत पास्तलाम शमे बस में हिदायत या नबी एमएलए इस्लाम जीम खाना चेयरमैन यूसुफ अबरानी जी, आप क्या कहेंगे? आपकी कयादत में प्रेसिडेंट हुए, काफी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इज्तिमाई शादियां हो रही है, आप इस पे आज क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आज इतना नेक काम हमारे जीम खाना में हो रहा है और बाकर कसब जमात की तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा नेक काम किया है, नई मिसाल कायम की है। हम चाहते हैं कि ये नेक काम चलता रहे। आज 15-16 दूल्हे हैं, इसके बाद बढ़ते रहें और ख़ास करके कौम के हमारे जो लोग हैं जो शादी के लायक है लेकिन शादी कर नहीं पाते, तो जमात आगे बढ़ के उस जमात ने काम किया है। आज हुजूर पाक की बहुत बड़ी सुन्नत पर अमल हुआ है और इससे आधे ईमान की हिफाजत हो चुकी है, तो इसका सवाब भी हमारा जमात के लोगों को मिलेगा। मैं जमात के तमाम जिम्मेदार हैं जो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिम खाना पसंद किया इस अच्छे नेक काम के लिए, तो हम लोग भी शवाब में शामिल हो गए। जिम खाना के आप प्रेसिडेंट बने, काफी शादियां हो रही है, क्या आप इसमें डिस्काउंट देते हैं ये जो इज्तिमाई शादी होती है? सर, ये पूरा ग्राउंड फ्री दिया गया है। सुभान अल्लाह, आज ऐसा लग रहा है कि जो दुल्हने हैं आपकी एक दो बेटियां हैं तो, लेकिन ऐसा लग रहा काफी बेटियां आप ही की लग रही है जिस तरह से आज आप पगड़ी बांध के खड़े, आप क्या कहेंगे? देखिये, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि जो अमीर लोग शादी करते हैं करोड़ खर्च करते हैं, उसकी जगह ये शादी ऐसी होना चाहिए जहाँ हमारी काफी गरीब बच्चों की शादी हो जाए। वो जो खर्चा 5-10 करोड़ करते हैं उनको चाहिए कि रोज 100-200 ऐसे शादियां करें, तो पैसा अच्छे काम में लगेगा, हमारी कौम की बच्चों की हिफाजत होगी, उनके ईमान की हिफाजत होगी। ये है यूसुफ अबरानी, यही जिम खाना है जहाँ पे गेमलिंग होती थी, इनका प्रॉमिस था गेमलिंग बंद किए, काफी नेक काम हो रहे, मस्जिद का एरिया बढ़ गया, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, अपने आप में तारीफ़ काबिल बात है कि ग्राउंड को फ्री देना, इसके लिए भी एक दिल चाहिए और वो है अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट एक्स एमएलए इस्लाम जिम खाना कंटिन्यू चेयरमैन रहे यूसुफ अबरानी जी के पास। हमारे यहाँ के कैटरर हैं अख्तर मंसूरी साहब, उनका बड़ा दबाव था और धमकी भी थी उनकी कि भाई ये फ्री होना चाहिए, तो इसलिए फ्री दिया गया। हमारे साथ है कार्य सम्राट एमएलए अमीन पटेल जी। सर, आप हर फंक्शन में जाते हैं लेकिन ये इज्तिमाई शादी में आप कभी मिस नहीं करते, आज क्या कहेंगे इस पे? आप पिछले कई सालों से मुंबई बकर सब जमात जो है ये शादियां करवाती है, आज भी तकरीबन 12 शादियां हो रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बकर कसम जमात को जिन्होंने ये शादी ऑर्गेनाइज की, जिन लोगों की शादी है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट जो बशीर कासम पटेल साहब है, हमारे अयूब पटेल साहब है, हमारे शाहनवाज भाई है, हमारे हसन भाई है, आसिफ भाई है, तमाम लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और 365 दिन अपनी कौम के लिए और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और जिनकी आज शादियां उनको भी मुबारकबाद देता हूं। हमारे साथ है एमएलए आशीष शेलार जी। सर, आप काफी शादियों में गए लेकिन ये इज्तिमाई शादी 12 दूल्हे 12 दुल्हन, आप इस पे क्या कहेंगे? भाई, बहुत बढ़िया काम है, समाज की तरफ से हो रहा है, 12 दुल्हन 12 दुल्हन की शादियां एक साथ हो रही है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ मेरी तरफ से। जैसे शहर में इज्तिमाई शादी में गुजरात के मिनिस्टर आए हैं जीतू भाई वाघेला,
सर आप क्या कहेंगे इस इज्तिमाई शादी में? ये शादी के बारे में तभी जो भी जो अभी आज शादी मनाई है सभी को मेरे दिल से मैं उनको शुभेच्छा दे रहा हूँ। और जो लोगों ने ये अच्छा आयोजन किया है वो आयोजक को भी मैं दिल से दुआ खुदा से दुआ करता हूँ कि ऐसे अच्छा बढ़िया काम करते रहे और सभी को मेरे तरफ से सबको शुभेच्छा दे रहा हूँ। हाजी अरफा शेख आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारी बिरादरी की शादी है आज। सच में ये जो हमने परंपरा शुरू की थी हमारे खानदान की, इसमें जुल्फिकार मेरे भाई उनकी बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ, जो मुंबई के हमारे सदर थे। एक बुनियाद उन्होंने डाली थी और मुंबई डॉक्टर कसाब जमात हर तरीके से, मुंबई होने दो, बांद्रा होने दो, लेकिन जिस तरीके से मुंबई जमात जो करती है मैं उसको सराहना करता हूँ। इसी तरीके से दुआ करता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के मेरी 36 जिले में जितनी जमातें हैं इसी तरीके से काम करें और उसके लिए हाजी अराफा शेख जो ताउन लगे जो मदद लगे ये हाजी अराफा शेख उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। एक जो नबी की सुन्नतों को अमल करने का जो तरीका है, जो एक साथ मिलकर गेट टुगेदर करते हर मेहमान एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और शादी के माध्यम में खर्चा भी कम होता है, शादी भी अच्छे तरीके से हो जाती है, एक दूसरे से गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे मिल सकते हैं। और जिस तरीके से इज्तिमाई शादियां जो करते हैं, मैं अपने आप में बकर कसाब जमात को मेरे दिल की गहराई से मुंबई जमात को उसी तरीके से जिस तरीके से हमेशा होती थी उससे उसी तरीके से उसी अंदाज में यह शादी हो रही, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको दुआएं देता हूँ। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, सारे जितने जोड़े हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद रखे, उनके खानदान में जोड़ अता फरमाए, यही हाजी अरफा शेख की दुआ रहेगी। हाजी मुश्ताक नाको आप क्या कहेंगे? तो पहले मैं कुरैशी समाज को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम किए और ये तो सुन्नत है, ये शादियों का जो काम कर रहे हैं बेचारी गरीब लड़कियां है जिनके पास पैसे नहीं है, जो लड़के लोग के पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, तो जो काम कर रहे हैं तो बहुत नेकी वाला काम है, सवाब वाला काम है। अल्लाह मैं इसे कोई समाज को और हिम्मत देता हूँ कि हर महीने ऐसी शादियां होते रहे। हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स पेपर के चीफ एडिटर सरफराज आरदुआ, आप हर शादी में जाते लेकिन आज ये इज्तिमाई शादी में आप आए, क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, ये शादी की जो खुशी एक शादी में जाने से होती है उससे 10 गुना इजाफा यहाँ हो गया कि क्योंकि 10 दूल्हा दुल्हन जो है यहाँ पर रिश्ते मना के हक में जो है 12 बल्कि 10 भी नहीं ज्यादा, तो बात तो खुशी में 12 गुना इजाफा हो गया माशाल्लाह। ये तो चीज ऐसी है कि इसकी जितनी तकलीद की जाए, जितना इसके ऊपर अमल किया जाए और जितने ज्यादा लोग इस चीज में, मैं जानता हूं और भी तंजीमें जो हैं वो इज्तिमाई शादियों का इंतजाम करती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कसाब हमारे साथ हैं जाने माने सोशल वर्कर शख्सियत फैजुल्ला खान साहब, आप क्या कहेंगे आज आप इस शादी में आए हुए इज्तिमाई शादी में? देखिए ऐसा है कि भाई ये प्रोग्राम 26 सालों से चल रहा है, आज 12 शादी हुई है और उसके बाद और आगे प्रोग्राम होंगे, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि भाई ये जो प्रोग्राम जो ऐसे हर जगह होना चाहिए जैसे पूरे 14 जमातों ने मिल करके प्रोग्राम किया है, मेरे बड़ी खुशी हुई और सारे जमात वाले जो हमारे दोस्त अहबाब है बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, जैसे कि हमारे भाई है अफाक भाई, इनकी छोटी बहन है, मेरे को बड़ी खुशी हुई ये प्रोग्राम देख के। भाई हमारे मुंबई बकर के साथ जमात की जानिब से ये 25 साल से ना ये इज्तिमाई शादी हो रही है और हमारे कौम का पूरा काम हुआ है, इसमें अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। माशाल्लाह ये अकबर बम्बई बकर कसाब जमात ने जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और तमाम 15 जमातों ने इनका कोऑपरेट किया है, आज बहुत अच्छा बिरादरी का प्रोग्राम चल रहा है और माशाल्लाह प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। इज्तिमाई शादी में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आने का क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमेशा जारी रहे, जारी रहे। और जो लोग इज्तिमाई शादी में निकाह करने में कतराते हैं वो गलत है, गलत है ना? वहाँ पर अल्लाह ने हमको ये इसमें पैदा हुए, हमारा बचपन है इसमें, ये हमारे आगे की नस्लें क्या करेगी, आगे की नस्लें हमारे साथ कैसे रहेंगी, ये हमारी एकता, ये हमारी वफाई, ये हमारे को आखिर तक साथ देगी इंशाल्लाह। ये पूरी कौम ने, पूरे कसाई मोहल्ले के बच्चे लोग ने, बड़े लोग ने ये हमको दिखा रहे हैं, ये भाई अल्लाह की तरफ से हमको देन है, हमारे बड़ों की दुआ है, ये हमको सब सिखा रहे हैं कि आगे हमारी नस्लें कैसी रहेंगी।
बस मैं इतना कहना चाहता हूँ और अल्लाह से आगे दुआ कि इससे अच्छा काम बढ़ चढ़ के करेंगे। बहुत अच्छा लगा ये बनार हाजी अब्दुल नबी सिंधी वाले आगे भी और ऐसा करना चाहिए। जनाब हाजी अब्दुल नबी साहब प्रेसिडेंट चंदीर दफ्तर कसाई जमात जहाँ कहीं भी है सोमू लगन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो बहुत भारी इत्मीनान के साथ में किए ऐसा हर साल अगर वो नहीं हुई है तो उनकी कोई शादी नहीं आ जाए निमंत्रण हो जाए बेटा क्या कहेंगे आप बम्बे का सब जमात का बहुत अच्छा हुआ हर साल होना चाहिए बम्बे का हमारे कासिम जनाब नजीब नजीब साहब बोल आज इज्तिमाई शादी में आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहूंगी कि ये इज्तिमाई शादी मेरे डैडी की शान थी। डैडी मेरे जुल्फिकार हाजी पवार मेरे हाजी। आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग इज्तिमाई शादी में शरीक होने के लिए कतराते हैं शादी करने के लिए? मैं बस इतना बोलूंगी कि इसमें बहुत बरकत है तो ज्यादा से ज्यादा इज्तिमाई शादी को सपोर्ट करें। वेरी गुड माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे आज अब इज्तिमाई शादी बोलो क्या बोलना ये बहुत ही अच्छा और बाबरकत तरीका है काम कराने का तो मैं चाहूंगा कि जब सब जन इस चीज को बढ़ावा दे और इस अगली बार से इस्तेमाई शादी में और बरकत हो और ज्यादा लोग आए। अभी बोले तो बस हो गया। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज ये इस्तेमाई शादी में आप खुद दुल्हन बने? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है ना बहुत खुशी है। अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा प्रोग्राम। बारह दुल्हन आप क्या कहेंगे आज इज्तिमाई शादी में आप ये माहौल देख रहे हैं और आज आपका खुद निकाह हुआ है? हमारे को बहुत खुशी महसूस हो रही है एक साथ इतने सारे निके हो रहे हैं सबकी शादियां हो रही है और सब शादियां कामयाब हो जाए। हमारे साथ है जानी मानी शख्सियत बेस्ट सोशल वर्कर मुबीन कुरैशी। आप क्या कहेंगे काफी शादियों में जाते हैं लेकिन इज्तिमाई शादी में आज आप आए क्या कहेंगे? आप ये इज्तिमाई मीरा रोड के साथ मैं कहीं भी हूँ बड़ा करम भी इसके करीब आ जाए या आपका पीछे ही बड़ा करम दिया जा रहा है। खुशी महसूस हो रही है और अभी ये बकर कसाब जमात की तरफ से ये शादी रखी गई। ये बशीर भाई जो है यहाँ के बॉम्बे के प्रेसिडेंट है कुरैशी जमात के। मैं इनकी पूरी टीम को कुरैशी जमात के तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद दूंगा और ये बहुत नेक काम है बहुत बेहतर काम है इज्तिमाई शादी और अल्लाह ताला ये नेक काम वाले करे और इसका बेहतर लेकर आया है। प्रोग्राम और इसे अरेंज करो प्रोग्राम और माशाल्लाह लोग सिंगल शादी में या आपसी शादी में बहुत से करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं और ये कौम की जो शादी हो रही है समूह लगन ये अपने कौम के लिए अच्छा मैसेज जा रहा है क्या भाई आओ सब मिलके हाथ बार लगाओ और ये नेक काम को रास्ते पे चले ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। क्यों मेरे को जहाँ भी निमंत्रण आएगा और खुशियाँ की बात होती है वहाँ मैं शरीक होऊंगा और मैं तो समूह लग्न बोलते हैं हमारे में उसका तो मैं वकीली करता हूँ क्योंकि आज के जमाने में समूह लगना ही बहुत जरूरी है क्योंकि कॉमन गैस कॉमन खाना कॉमन खर्चा सबका पैसा बचता है और आनंद डबल 10 गुना होता है जो अपने अकेले की शादी के बदले। यार देखो दूल्हे कितने बढ़िया सजे हैं और कितने लोग आए हैं तो वो तो खुशी की बात है। मुझे बुलाए तो क्यों नहीं आऊं मैं सभी हमारे में भी समूह लग्न बहुत होते हैं उसका मैं एनकरेज करता हूँ कि समूह लग्न होने ही चाहिए और बड़ा अच्छा मंच है और इतना समुद्र के सामने इस्लाम जिमखाना में इससे बड़ा क्या हो सकता है। अकेला शादी करें तो शायद यहाँ पर मगर इस्लाम जिमखाना का जुड़वा भी और है और सब हमारे कार्यकर्ता दोस्तों ने मुझे निमंत्रित किया और सुप्रिया जैन की क्या बात है वो तो हम पे आज बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए इस वक्त हम लोग इस्लाम जिम खाना में 12 दूल्हे 12 दुल्हन टोटल 24
शादियां हो रही है। बॉम्बे बांद्रा बकर कसाई जमात मॉस्क्यू ट्रस्ट की तरफ से ये इज्तिमाई शादी रखी गई, अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ़ काबिल बात है। जो बच्चियां दहेज के मामले से शादी नहीं कर पाती, पैसे की तंगी की वजह से बच्चियां बैठी है, यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे फ्री में पूरा अरेंजमेंट होता है और सिर्फ दूल्हा दुल्हन को आना होता है और ये शादी अटेंड होती है। बॉम्बे बकर कसाई जमात के हमारे साथ में बॉम्बे के सदर हैं बशीर कासिम साहब, ये बताइए कि ये इज्तिमाई शादी आप लोग कितने साल से कर रहे हैं? ये इज्तिमाई शादी 97 से हम कर रहे हैं और अभी तक कम से कम 16-17 शादी हो चुकी है। अल्लाह के हुक्म से सब कामयाब रही, अल्लाह के हुक्म से सब कामयाब रही और ये जो जोड़े हैं बड़े खुशहाल है और इसमें खैर बरकत बहुत है, बहुत है, बहुत है। इससे पहले आप लोग और कहाँ कहाँ ये शादियों का अरेंजमेंट किए, जैसे कि आज इस्लाम जिम खाना में है? इससे पहले हमने सबसे पहले बाइकल्ला में, क्या वो क्राइस्टचर्च में एक पहला प्रोग्राम किए थे, उसके बाद फिर बाद में बांद्रा में गए, बांद्रा के अपना वो ये क्या नाम है यार, और सिलसिला होते हैं वो होते गया और उसके बाद हम फिशरमैन कॉलोनी के स्कूल में गए, अभी आखिर में इधर आए। अंदाजन आप बताइए एक मोटा मोटी के कितनी हजार जोड़ियां शादी हो गई आपके जमात के जरिए से? अभी हमारे जमात के जरिए से कम 15,000 तो हो चुकी है। तो इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं या वो क्या सिस्टम रखे हैं आपने? हमारा सिस्टम यही है कि जो गरीब हो या अमीर हो ये इसमें शिरकत करे, हम कम से कम पैसों में इसका इंतजाम करते हैं। तो जो पार्टी है उनसे सिर्फ लड़के वालों से 10,000 रुपये लेकर उसको एंट्री फीस दे देते हैं। लड़की से दुल्हन वाले से 10,000, दूल्हे वालों से 10,000, 20,000 एक जोड़े से आप लोग 20,000 लेते हैं? हाँ, और उसके बाद सारा प्रोग्राम करने के बाद इसमें हमारी सबसे बड़ी जो उसमें ये है मदद, वो हमारे बॉम्बे बकर कसाई मौस ट्रस्ट की भी है जो हमें वो सहारा देते हैं और ये इसका प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो एक जो जोड़ा आता है उसको कितने लोगों को आप लोग खाने के लिए उनमें से कितने मेहमान बुलाते हैं? अनलिमिटेड, हम कभी ये नहीं बोलते कि भाई 500 लाओ, 200 लाओ या 100 लाओ, वो जितनी दावत देंगे सबका अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम घूम फिर के एक ही बिरादरी के लोग हैं, अगर हम हमारी बिरादरी 10,000 की है तो वो 10,000 ही रहेगी क्या। और अब आप लोगों ने कौन सी तारीख तय की है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अगले साल के 1 जनवरी को भी ये शादी होगी। चलिए बहुत अच्छी बात, आज 1 तारीख 2024 बहुत अच्छी शुरुआत, 12 दूल्हे 12 दुल्हन 24 जोड़े यहाँ पे टोटल यहाँ पे आज शादियां हुई है। मुंबई से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैची, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।